हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आप लोगों का है फिजिकल वर्ल्ड का तीसरा भाग, जिसमें कि मैंने उसका दो भाग बनाया था। और उन दोनों भागों में मैंने आप लोगों को बताया था कि नेचर, और सबसे पहले आप लोगों को शुरू में बताया था फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, जिसमें कि पहला था गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के गुण भी बताए थे। इसके बाद था दूसरा था प्रबल विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल के गुण भी बता दिया गया था आपको। अब इसके बाद आता है प्रबल नाभिक बल। तो ये तीसरे टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे, और फिर चौथा होगा दुर्बल नाभिक बल, और इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे संरक्षण सिद्धांत। संरक्षण सिद्धांत से रिलेटेड सारा चीज़ जितना भी होगा सारा चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं। तीसरा टॉपिक था प्रबल नाभिक बल। प्रबल नाभिक बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल के बारे में। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल का मतलब हो गया नाभिक में लगने वाला बल, नाभिक में आरोपित बल, यानी नाभिक में, नाभिक में क्या, नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं। हम लोग जानते भी हैं कि नाभिक, परमाणु का जो नाभिक होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु एटम, परमाणु का आकार हम लोग जानते हैं कि 10^-10 होता है, और इस परमाणु का दो भाग होता है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है, लेकिन फिर भी इसमें दो भाग हैं। एक है नाभिक और एक है कक्षा। और दूसरा है ऑर्बिट, यानी कि कक्षा। तो नाभिक, जो परमाणु का नाभिक जो होता है, नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक पाया जाता है प्रोटॉन और एक पाया जाता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, लेकिन ये कोई आवेश नहीं होता है, यानी कोई भी आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है, यानी आवेश होता ही नहीं। आवेश मीन्स चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं, यानी न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दो चीज़, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीज़ होते हैं। इन दोनों, ये दोनों कहाँ होते हैं, नाभिक में। तो नाभिक के बीच, नाभिक में जो दो कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों के बीच एक फोर्स कार्य करता है, यानी कि बल कार्य करता है, और यही बल कहलाता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, यानी कि प्रबल इसलिए क्योंकि स्ट्रांग होता है। ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है स्ट्रांग होता है, इसलिए इसका नाम है प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को जो आकर्षित करते हैं, इनके बीच लगने वाले बल को हम लोग प्रबल नाभिकीय बल बोलेंगे। तो प्रबल नाभिकीय बल में अब इसका गुण पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज से ज्यादा समझ में आएगा। पहला क्या है, यह आकर्षण प्रकृति का होता है। यह आकर्षण प्रकृति का, आकर्षण प्रकृति मतलब एक दूसरे को ये बल खींचते रहते हैं। एक मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को खींचेगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को खींचते रहते हैं। दूसरा, यह अल्पप्रास का बल है। अल्पप्रास बल मतलब शॉर्ट, क्योंकि इसका हम लोग जानते हैं नाभिक का आकार होता है 10^-15 तो बहुत छोटे जगह में कार्य करता है, इसलिए अल्पप्रास का बल कहलाता है। तीसरा, यह केंद्रीय बल नहीं है। यह केंद्रीय बल नहीं है। और चौथा पॉइंट, चौथा क्या है, यह गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से, यह गुरुत्वाकर्षण बल से यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10^39 गुना अधिक
एवं जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे विद्युत चुंबकीय बल बल से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। और लास्ट पॉइंट है यह बल जो इसमें भी फील्ड पार्टिकल होता है। फील्ड पार्टिकल का मतलब कि दोनों एक दूसरे को, आखिर कोई ना कोई कण होता है जिससे ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फील्ड पार्टिकल होता है ग्रेविटॉन्स, और उसके बाद बताए थे प्रबल चुंबकीय विद्युत चुंबकीय बल में बताए थे फोटॉन्स, और ये प्रबल चुंबकीय बल में, प्रबल नाभिकीय बल में याद रखना है कि इसका फील्ड पार्टिकल पाई नेसोंस होता है। ठीक है, तो इसका पूरा फिर से एक बार लेते हैं। नाभिकीय बल यानी नाभिक में आरोपित बल। तो नाभिक के अंदर होता क्या है, पहले नाभिक को हम लोग समझते हैं। परमाणु का आकार 10^-10 मीटर होता है। परमाणु के दो भाग होते हैं, एक नाभिक एक कक्षा, न्यूक्लियर ऑर्बिट होता है। तो नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश यानी धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पे होता है कोई भी चार्ज नहीं होता यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स यानी कि बल आरोपित होता है उसी को कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल कहने का अर्थ ये है कि स्ट्रॉन्ग होता है, अन्य सभी बलों से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए इसका नाम है प्रबल नाभिकीय बल। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो यह आकर्षण प्रकृति, आकर्षण मतलब इसमें खींचने की शक्ति होती है। यह अन्य प्रास या अल्पप्रास बल है, अल्पप्रास मतलब बहुत कम जगह पे, जो कि हम जान रहे नाभिक के अंदर है। तो नाभिक का आकार 10^-15 मीटर है, तो ये बहुत ही छोटा हो गया जगह, इसलिए अल्पप्रास कहलाता है। यह केंद्रीय बल नहीं है, केंद्रीय बल मतलब जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल में हम लोग पढ़े थे कि वो केंद्र की ओर खींचता है, लेकिन ये केंद्र की ओर नहीं खींचता है, ये एक दूसरे के बस अपनी तरफ खींचने का कोशिश करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल से ये 10^39 गुना करा अधिक शक्तिशाली होता है, मतलब ज़्यादा मजबूत है। और विद्युत चुंबकीय बल से फिर 100 गुना ज़्यादा मजबूत है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। और ये फील्ड पार्टिकल, इस मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो कण के कारण इन दोनों के बीच जो बल ये उत्पन्न हो रहे हैं, उस कण का नाम है पाई नेसोंस। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल पढ़ने से पहले हम लोग, दुर्बल नाभिकीय बल से नाम ही पता चल रहा है ये कमजोर है, तो इसको पढ़ने से पहले हम एक पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो सक्रिय पदार्थ। इसका आंसर होगा ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में स्वतः विखंडित होते हैं। ये डायग्राम हम आप लोगों को याद करने के लिए बनाते हैं। अगर आप लोग इस डायग्राम को देखेंगे तो आप लोगों को याद करने में सहूलियत होगा, आराम से इसको पढ़ सकते हैं, याद भी हो जाएगा, डिफिनेशन भी लिख लेंगे। ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में स्वतः विखंडित हो, स्वतः मतलब होता है अपने आप। कुछ पदार्थ प्रकृति में ऐसे होते हैं जो अपने आप विखंडित होते हैं, टूटते हैं। विखंडित होना मतलब टूटना। तो प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वतः विखंडित होते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ में एक उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं रेडियम। अब ये रेडियो सक्रिय पदार्थ जब टूटते हैं, रेडियो सक्रिय जब पदार्थ टूटते हैं तो इससे कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है, तो इस रेडियो सक्रिय पदार्थ से क्या होती है, कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। तो इन अदृश्य किरणों में एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा और एक का नाम होता है गामा। चूंकि अल्फा, अल्फा जो होता है, अल्फा एक हीलियम नाभिक के बराबर होता है, याद रखना है। अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं कि अल्फा अल्फा एक हीलियम नाभिक के बराबर होता है। हीलियम नाभिक के समान होता है।
ठीक है, लेकिन ये क्या चीज है, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाते हैं, मतलब समझिए करें हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक चूंकि हीलियम का परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं कि दो होते हैं, हीलियम का परमाणु संख्या दो, जैसे ये हीलियम है और इसका परमाणु संख्या दो है। परमाणु संख्या का मतलब क्या, परमाणु संख्या का मतलब हो गया दो प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इसका दो। इसमें से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर लिए, इलेक्ट्रॉन का अगर हम बाहर कर लेते हैं तो निगेटिव आवेश तो इससे चला गया बाहर, ये बाहर निकाल लिए, तो अब इस पर क्या बचा, इस पर केवल बचा प्रोटॉन, पॉजिटिव आवेश यानी प्लस टू ई बचता है, प्लस टू ई। तो प्लस टू ई आवेश किसका है, प्लस टू ई आवेश है अल्फा कण का, यानी अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल का आवेश हो गया प्लस टू ई, जिसमें ई का मान हो गया 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, अब इसके आगे तो यही कह रहे हैं कि यहाँ अल्फा का, तो यहां पे एक चीज याद रखना है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ से, रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ से जब तीन कण निकलते हैं, अभी बताएं कि अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा पे क्या बोले हम, अल्फा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और बीटा होता है निगेटिव चार्ज वाला, और ये होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होता है, विदाउट चार्ज होता है। तो यहाँ जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अगर कोई भी अल्फा कण निकलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा क्षय। क्षय होना मतलब हो गया लॉस होना, यानी कमी होना। फिर बीटा अगर निकलता है तो बीटा क्षय बोलेंगे इसको, और गामा निकलता है तो लिखेंगे गामा क्षय, यानी क्षय मतलब होता है लॉस यानी कमी। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है रेडियो सक्रिय पदार्थ, जब रेडियो सक्रिय पदार्थ से जब बीटा क्षय होता है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दुर्बल नाभिक बल, लास्ट है चौथा टॉपिक जो है इसका, फंडामेंटल फर्स्ट जो था उसका चौथा टॉपिक है जिसका नाम है दुर्बल नाभिक बल। ये सब समझा रहे थे आपको, इसी को समझाने के लिए दुर्बल नाभिक बल, यानी इसका होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें कह रहा है क्या आगे, जब रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ से क्या होगा, जब बीटा क्षय के दौरान, जब बीटा क्षय होता है यानी कि बीटा किरणें जब निकलती है, बीटा कण निकलता है, ठीक उसी समय, उसी समय कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और फिर न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो हो गया न्यूट्रॉन से भी छोटा कण, ये न्यूट्रिनो, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, जो भी बल लगेगा वही बल कहलाता है दुर्बल नाभिक बल। यानी हम इसको इस सेट करके तो जो ज्यादा आसान होगा, ये दोनों के बीच जो बल होगा, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या है, प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं या ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में स्वतः विखंडित होते हैं वो रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ में रेडियम उदाहरण हम दिए हैं, और भी बहुत सारा होता है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जब विखंडित होता है तो इससे तीन अदृश्य किरणें निकलती है, अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देता, याद रखना है कि अदृश्य, इनविजिबल जिसको बोलते हैं। तो अदृश्य किरणें निकलती है, इन अदृश्य किरणों के नाम है अल्फा बीटा गामा, अल्फा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, बीटा नेगेटिव चार्ज वाला, और गामा जो होता है न्यूट्रल होता है यानी कोई चार्ज इस पर नहीं होता। तो अल्फा के बारे में हम बताए थे, यहाँ अल्फा थोड़ा डिटेल इसलिए क्योंकि यहाँ अल्फा के बारे में बात हो रहा है, बीटा के बारे में बात हो रहा है, तो एक अल्फा के बारे में ऐसे बता दिए कि अल्फा क्या है, एक हीलियम नाभिक के समान होता है, क्योंकि हीलियम में हीलियम के परमाणु संख्या दो होता है, तो इसमें इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेने पर, हीलियम का अगर इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं तो अल्फा कण में कन्वर्ट हो जाता है, और अल्फा कण का चार्ज हो जाता है प्लस टू ई, क्योंकि ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो ये टू ई उसी से निकल जाता है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ से हम वहाँ फिर से रिपीट कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा होता है, क्योंकि ये निकलेगा तो इसको हम लोग लॉस बोलते हैं, जिसको क्षय बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लॉस बोलते हैं।
तो अब कह रहे हैं कि दुर्बल नाभिक बल, ये चौथा टॉपिक है जो हम लोगों को क्लियर करना है इसमें। तो दुर्बल नाभिक बल में क्या बता रहा है, ठीक है, रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ से जब बीटा क्षय होता है, ये बीटा किरण जब निकलती है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच जो बल लगता है उसी बल को हम लोग कहेंगे दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, एक मिनट रुकिए आप। हाँ, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है संरक्षण सिद्धांत। तो संरक्षण सिद्धांत में क्या है, इस टॉपिक को क्लियर करना है। इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले हम लोगों को कुछ पॉइंट है जो इसमें रिलेटेड जो आंसर में आता है वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसमें एक निकाय के बारे में आता है, सिस्टम, ये मेन टॉपिक हो गया, इसी को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे निकाय के बारे में। निकाय को हम लोग बोलते हैं सिस्टम इंग्लिश में। तो निकाय क्या है, तो एकदम शॉर्ट आंसर देना है, कणों का समूह निकाय कहलाता है। एकदम ये डायग्राम आप लोग के लिए बनाते हैं ताकि आप लोग इसको याद कर सके देख करके। निकाय किसे कहते हैं, कणों के समूह को निकाय कहते हैं। अब निकाय तीन प्रकार का होगा, ठीक है। एक निकाय होता है खुला, एक होता है बंद और एक होता है विघटित, ठीक है। बंद खुला, ओपन सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम, और एक होगा आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या होता है कि ऐसा निकाय जिससे पदार्थ और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान हो, ऐसा निकाय जिससे पदार्थ और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान हो तो उसे हम लोग खुला निकाय कहते हैं। बंद निकाय में क्या होगा, बंद निकाय में होगा कि केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, यानी पदार्थ का नहीं होता है, केवल ऊर्जा का। और इसमें होता है दोनों का नहीं, दोनों का नहीं, मतलब समझिए। यहाँ पे पहले एक नंबर में बताया गया है खुला निकाय, ओपन सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हम कोई बर्तन ले लिए, और इस बर्तन में हम लोग गर्म करेंगे इस पानी को, मान लेते पानी ही है, तो इस पानी को गर्म कर रहे हैं, तो इसमें से वाष्प बाहर आएगा। तो हम देख रहे हैं क्या कि इसका पदार्थ क्या हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, यानी वाष्प बाहर आ रहा है। तो पदार्थ बाहर निकला और साथ में क्या निकल रहा है बाहर, ऊष्मा। तो पदार्थ के साथ साथ ऊष्मा भी अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर यहाँ से जा रही है गर्म करते हैं और यहाँ से फिर वातावरण में जाता है, तो यहाँ अंदर बाहर आ रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। पदार्थ का भी हम इसमें पानी डाल सकते हैं, इसका बाद बाहर आ सकता है, तो इसलिए कहलाएगा खुला निकाय। दूसरा, ऊष्मा मीन्स ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा की बात हो रही है, क्या बोले कि वह निकाय जिससे पदार्थ और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है, खुला निकाय। उसके बाद नंबर आता है बंद निकाय का। बंद निकाय में क्या है, यही सिस्टम होगा जो सिस्टम हम लोग ऊपर में रखे हैं, बस सिस्टम ये होगा कि इसका ढक्कन लगा होगा ऐसे, इसमें क्या होगा वाष्प बाहर नहीं जा रहा है, तो केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है लेकिन पदार्थ का नहीं, तो इसको हम लोग कहेंगे बंद निकाय। और विलयित निकाय बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के लिए, बार बार आता है।
आइसोलेटेड सिस्टम विलगित इकाई। तो अगर हम थर्मस फ्लास्क का फिगर बनाएं, ये थर्मस फ्लास्क है, इसमें कॉर्ड लगा होता है और ये कांच की दीवार होती है अंदर में। तो इसमें क्या होता है कि पानी अगर यहाँ पर है, ये पानी अगर है, हम लोग अगर गर्म रखेंगे तो गर्म ही रहेगा और ठंडा रखेंगे तो ठंडा ही रहेगा। इसका क्या कारण है? इससे ना तो बाहर ऊर्जा आ रही है, ना ही पदार्थ कोई आ रहा है, अर्थात इससे ना तो ऊर्जा का और न ही पदार्थ का आदान प्रदान होता है। यानी कि ना तो पदार्थ बाहर निकलेगा ना ऊर्जा, तो ऐसे निकाय को हम लोग विलगित निकाय कहते हैं। एक बार फिर से बात कर लेते हैं निकाय के बारे में। निकाय हम लोग बोलते हैं सिस्टम, सिस्टम में कणों के समूह यानी पार्टिकल ऑफ, यहाँ पे ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ पार्टिकल है, छोटे छोटे कणों का समूह है। तो कणों के समूह को निकाय, निकाय हमारा बॉडी भी हो सकता है, कलम भी हो सकता है, किताब भी हो सकता है, पूरा बॉर्ड, कोई भी चीज़ निकाय हो सकता है। तो निकाय तीन प्रकार के होते हैं, खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय। तो खुला निकाय में बताया गया है कि खुला निकाय यहाँ फिगर के साथ बताए हैं कि ऐसा निकाय जिससे पदार्थ और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम लोग खुला निकाय कहेंगे। बंद निकाय में केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होगा लेकिन पदार्थ का नहीं, ढक्कन बंद है तो इसलिए बंद निकाय है। विलगित निकाय में ना तो पदार्थ का ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है तो ये विलगित निकाय कहलाता है। यह हम लोग पढ़ने वाले थे संरक्षण सिद्धांत। कंसर्वेशन लॉ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका है पदार्थ की सूक्ष्म राशि। पदार्थ की सूक्ष्म राशि कौन सी है? ऊर्जा, आवेश, संवेग, ये सारा इसकी सूक्ष्म राशि है। तो पदार्थ की जो सूक्ष्म राशियां होती है हमेशा संरक्षित रहती है। संरक्षित होना मतलब नष्ट नहीं होगा। कब तक? जब तक कि कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कि पदार्थ की सूक्ष्म राशि यानी माइक्रो क्वांटिटीज होता है, जैसे कि ऊर्जा, एनर्जी हो गया, आवेश, चार्ज, संवेग हो गया, मोमेंटम, ये सभी हमेशा कंसर्वेटिव यानी ऑलवेज क्या होता है? कंसर्वेटिव होता है। कब तक? जब तक कि बाय बल का मतलब एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? इस पर अप्लाई जब तक नहीं होता, यानी अप्लाई होगा तब जाकर के कुछ होगा, अप्लाई नहीं होता है तो ये सब संरक्षित रहेगा। यानी आंसर कैसे बोलेंगे याद रखने के लिए डायग्राम देखिए। पदार्थ की सूक्ष्म राशियां जैसे कि ऊर्जा, आवेश, संवेग हमेशा संरक्षित रहती है। कब तक? जब तक इन पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होगा, यानी एक्सटर्नल बाहर से जब तक कोई फोर्स आरोपित नहीं होता है तब तक ये संरक्षित रहती है। ठीक है, तो यानी कि जब बाह्य बल आरोपित ना होगा तो ऐसे निकाय को विलगित निकाय बोलते हैं। तो हम लोग शॉर्ट आंसर इसका लिख सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्या होगा? तो शॉर्ट आंसर हो गया विलगित निकाय की राशियां। विलगित निकाय की राशियां कौन कौन सी? ऊर्जा, संवेग और फिर जाकर के आवेश, ये सारा चीज। तो विलगित निकाय की राशियां क्या होती है? हमेशा संरक्षित रहती है। कब तक? फिर वही लाइन बोल देना है, या हम लोग ऐसे नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि हम यहाँ बोल चुके हैं विलगित निकाय। विलगित निकाय में क्या होता है? किसी के संपर्क में नहीं होता तो ऑटोमेटिक है कि इसमें अप्लाई नहीं होगा एक्सटर्नल फोर्स। तो आंसर क्या होगा? विलगित निकाय की राशियाँ हमेशा संरक्षित रहती है, शॉर्ट आंसर है। अब विलगित निकाय की राशियों में देखो कौन सा है। तो पहला टॉपिक होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत
कंसर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर शुरू में यही देना है कि विलगित निकाय, विलगित निकाय में क्या होता है कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात हम लोग इसको दूसरे अर्थ में भी बोल सकते हैं कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश न उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर कैसे बोलेंगे कि आवेश यानी आवेश न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, अर्थात विलगित आइसोलेटेड सिस्टम का आवेश हमेशा क्या होता है? संरक्षित रहता है, यानी बचा हुआ रहता है, कोई नष्ट नहीं कर सकता न उत्पन्न कर सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। मास एनर्जी कंसर्वेशन लॉ, फिर से एक बार संरक्षण सिद्धांत क्या है? पदार्थ की सूक्ष्म राशियां ऊर्जा आवेश संवेग ये हमेशा संरक्षित रहती है, कब तक? जब तक इस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई जब तक नहीं होता है। शॉर्ट आंसर क्या होगा? विलगित निकाय, विलगित निकाय को हम लोग बार बार बोल रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम, अभी बताए भी कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा है कि वह सिस्टम जिससे न तो पदार्थ का न ही ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, तो ऐसा सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड सिस्टम जो भी होता है उसका ऊर्जा संवेग आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, ठीक है। तो इसी से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कंसर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, यानी कि कोई भी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम में आवेश हमेशा निश्चित रहता है, फिक्स रहता है, उसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, मास एनर्जी कंसर्वेशन लॉ। अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार, अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार इनका कहना था कि प्रकृति में जो द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित होते रहता है, तो इसी को हम लोग द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत बोलते हैं। इसका कहना है कि इनका कहना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि प्रकृति में जो द्रव्यमान होते हैं द्रव्यमान ऊर्जा में और ऊर्जा फिर द्रव्यमान में कन्वर्ट होते रहता है यानी परिवर्तित होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, अब द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के आधार पर एक फॉर्मूला बना है E बराबर MC स्क्वायर, जहाँ C का मान होगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि इनका कहना क्या था? इनका कहना था कि कोई भी पदार्थ प्रकृति में अगर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्पीड से चलेगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बस यही है, द्रव्यमान कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, ये अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था। इसके बाद अगला टॉपिक है रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। तो बस वही आंसर है, किसी विलगित निकाय का रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय का रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। हाँ, तो रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। इस रेखीय संवेग को हम लोग समझते हैं पहले, ये कार है मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान है m और ये v स्पीड से यानी v वेलोसिटी से ये गति कर रहा है। तो अगर हम इसका संवेग निकालना चाहेंगे, संवेग निकालना चाहते हैं, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग,
यानी कि P बराबर होगा फॉर्मूला एम बी, बस इसी को रेखीय संवेग कहते हैं। रेखीय इसलिए क्योंकि ये क्या होता है, सीधी रेखा पे किसी ऑब्जेक्ट यानी कोई पिंड की चाल के आधार पर हम लोग इसको निकालते हैं, इसलिए रेखीय संवेग होगा। तो आंसर क्या होगा, किसी विलगित निकाय का रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, ये लाइन हमेशा आता है। इसके बाद आता है कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग सेम आंसर वही होगा विलगित निकाय का, विलगित निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, विलगित निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अब इसमें हम लोगों को एक बार समझ लेना है कोणीय संवेग के बारे में, कोणीय संवेग है क्या। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पथ पे घूम रहा है, सर्कुलर पथ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये इसकी जो दूरी है, ये आर हो गया, रेडियस मान लिया आर है इसका, और ये 90 डिग्री, ये जो है ना रोटेशनल एक्सिस यानी घूर्णन अक्ष इसको बोल सकते हैं। तो ये घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष से ये जो दूरी है 90 डिग्री पर है, चूंकि लंबवत दूरी इसको बोल सकते हैं, लंबवत दूरी। तो यहाँ हम लोग कोणीय संवेग जो बोल रहे हैं इसको L से सूचित करते हैं। तो L बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू R। तो एकदम सामने में आंसर आपका कि कोणीय संवेग किसे कहते हैं, तो आंसर होगा कि किसी पिंड का रेखीय संवेग। P यहाँ पर क्या है, P है रेखीय संवेग है, याद रखना है। P को हम लोग बोलते हैं रेखीय संवेग। तो क्या बोलेंगे कि किसी पिंड के रेखीय संवेग और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये घूर्णन अक्ष है, इस घूर्णन अक्ष से लिख चुके हैं यहाँ, लंबवत दूरी को हम लोग R से सूचित करते हैं। तो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को ही कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है, तो आज फिजिकल वर्ल्ड का जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। यूनिट 1 का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड खत्म हो चुका है, जिसमें कि जितने भी टॉपिक थे, एक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, तो ये आप लोग जानते ही हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, उसको भी क्लियर कर देते हैं, खत्म हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, इसका आंसर होगा ऊर्जा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका केवल क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होगा, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। रूपांतरण मतलब कन्वर्ट करना, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में, बस यही चीज है। यानी हम नष्ट नहीं कर सकते, जैसे कि मान लिया जाए कि एक ये मकान है, इस मकान के छत के जस्ट किनारे एक ईंट रखा हुआ है, ठीक है, और ये ईंट यहाँ से गिर जाता है, गिर करके जमीन से ये टकराता है, और ये टकरा करके जमीन पर ऐसे रुक जाता है। तो यहाँ पर इसमें क्या था, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ जैसे वो रास्ते में आता है गिरते वक्त, तो इसमें होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं। जिसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से फिर वो इसमें आके स्थिर हो गया, रुक गया, तो ये फिर हो गया स्थितिज ऊर्जा, यानी फिर पोटेंशियल एनर्जी में आ गया। ठीक है,
तो क्या बोल रहे थे कि हम बताए अभी कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। उसका उदाहरण हम दिए यहाँ पे, यहाँ पे बताए हैं कि अगर कोई छत है उसमें ईंट रखा हुआ है किनारे में, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन जैसे वो गिरने लगता है तो गतिज ऊर्जा में बदलता है, फिर वो जमीन से आके जब टकरा जाता है तो फिर स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, ऊर्जा कन्वर्ट हो रहा है स्थितिज गतिज, गतिज से फिर स्थितिज, तो अर्थात हम लोग ऊर्जा को नष्ट नहीं कर पाए। यहाँ ऊर्जा स्थितिज था, यहाँ भी ऊर्जा स्थितिज हो गया, ठीक है। तो बस आप लोग इसको बढ़िया से देखें समझें, और अगर जहाँ दिक्कत होता है वहाँ फिर से हम रिपीट कर भी दिए हैं दोबारा, और अगले वीडियो में होगा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा यूनिट 1 का। बस दूसरा चैप्टर आप लोग फिर वीडियो देखिए और समझिए।